गावा करेक्ट आवाज कार्तिक रेड्डी साहब और हमारे वाइस चेयरमैन हमारे दोस्त अहबाब आए हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, मैं उन तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे अली जनाब कार्तिक रेड्डी साहब और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला साजी साहब और काउंसलर्स, हमारे यूथ लीडर्स, तमाम कार्यकर्ता, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग देखिए 2018 में क्या हालात थे एरिया के, जलपल्ली म्यूनसिपल के आज क्या हालात है। 2018 में हर गली में ड्रेनेज बहती थी, पानी के लिए बड़े बड़े धरने दिए जाते थे, लाइट नहीं थी बस्तियों में। अल्लाह बरकत दे। इस शानदार जलसे में यहाँ पे तशरीफ फरमा इस बल्दिया जलपल्ली के म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल आसादी साहब, हमारे बल्दिया जलपल्ली के वाइस चेयरमैन विष्णु पटेल, यहाँ पे तशरीफ फरमा यहाँ के काउंसलर सदर भाई याया शमशुद्दीन भाई अफजल भाई और बहुत सारे अजीब और तमाम हमारे बीआरएस पार्टी और मजलिस अब्दुल मुस्लिमीन के पार्टी के यहाँ के लीडर सदर और खासकर बड़ी मोहताब से इस कुबा कॉलोनी के हमारे कावतून माँ और बहन, इतने बड़े मोहताब से आप यहाँ पे पेश आए कि हमको थोड़ी देर खड़ा ही दिए स्टेज पे, चेहरा भी नहीं थे, पूरे चेयर पूरे आप ही बैठ गए, हमको 10 मिनट यहाँ पे ठहरना ही पड़ा, बहुत खुशी होगी और एक घंटा भी ठहरता था। इतनी बड़े मोहताब में आप आए, बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप इस शानदार जलसे में यहाँ पे पेश आए। माँ याद रखे और एक 4-5 दिन में दहशतवादी का इलेक्शंस का तारीख नजदीक आने वाला है। ये वक्त नए नए जमात आपके बीच में आएंगे, नए नए जमात के लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसे लोग जो पहले आप कभी ना देखे थे और इस चंद 5 और 4 दिन के बाद में कभी देखेंगे भी। ऐसी एक जमात कांग्रेस पार्टी जो आजाद हिंदुस्तान में 70 साल से मुसलमानों का वोट लेते हुए आ रही है, इस 70 साल में अगर आजाद हिंदुस्तान में सबसे खराब हाल अगर किसी का है, सबसे गरीब इस मुल्क में जो भी है वो इस हिंदुस्तान के मुसलमान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी 70 साल से जो वोट पार्टी वोट लेते हुए आ रही है जमात कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, अभी अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी तरीके से और यूसुफ पटेल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको, जब बारिश होती तो मेंढक बाहर निकलता ना, जब बारिश होती है निकलता मेंढक बाहर, जब इलेक्शन होते ये भी निकलते कांग्रेस वाले बाहर, बाद में कभी नहीं दिखेंगे, वो ओल्ड सिटी में रहने दीजिए या हमारे जलपल्ली में रहने दो, ये कांग्रेस वाले सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखेंगे। आपका कोरोना का टाइम हो, बात का टाइम हो, अच्छे बुरे में यहाँ पे सिर्फ मजलिस इख्तियारुल मुस्लिमीन और बीआरएस पार्टी के लीडर ही दिखेंगे और कोई बहुत नहीं दिखेंगे। हमारा ये याद रखो, आपके हर मुश्किल में यहाँ के इस हल्के के एमएलए हमारे वालदा सविता इंद्रारेड्डी दिखेंगे, नहीं तो हमारे भाईजान असदुद्दीन ओवैसी दिखेंगे और कोई नहीं दिखेंगे, ये बात याद रखिए। गौर करिए हमारे नौजवान भाई भी, हमारे अम्मा के साथ आप भी गौर करिए, अगर कहीं बात बोलना है कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देने की बात करता है उनको साफ साफ पूछ लेना, क्या करिए ये 5 साल ये 50 साल कांग्रेस पार्टी और ये 10 साल केसीआर साहब के कारनामे भी बता देना। इस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजट देने वाली मुसलमानों को कौन सी भी रियासत है वो रियासत ही तेलंगाना है। इस 10 साल में
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों को तालीम देने वाली कौन सी भी जमात है और कौन सी भी रियासत है, वो केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी और तेलंगाना रियासत। याद रखो अम्मा, जब शादी मुबारक नहीं रहता था, जब गरीब मुसलमान घरों में लड़कियों का शादी करना था, क्या हाल रहता था एक बार याद रखो। कैसे कैसे लोग आ जाते थे शादी करने के लिए हमारे घर के बच्चियों को, याद रखो। ऐसे दिन भी थे पूरे दिन जो 10-10,000, 15,000, 20,000 के लिए लड़कियों का शादी करा देना पड़ता था। थोड़े बड़े लोगों को याद रहना चाहिए ये बात। आज तेलंगाना में वो हाल नहीं रहा। केसीआर साहब के सदारत में, उनकी हुकूमत में बच्चियों को पूरे हरियाणा शादी करने की ये नौबत नहीं रही। आज शादी मुबारक के जरिए इज्जत से हमारे लड़कियों को शादी कराई, वही हमारी रियासती तेलंगाना है। और एक बात बताता हूं, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के रियासत है जो खुद अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द समझ बोलते हैं या उनकी मोहब्बत में रहने वाले बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। कौन सी भी रियासत में कांग्रेस पार्टी की गौर करो, कौन सी भी रियासत के कांग्रेस पार्टी के जो हुकूमत में है, कहां वहां पे मस्जिदों को, मौजों को, उलेमा को बन के मिलते क्या, एक बार पूछिए पूछा कांग्रेस पार्टी। कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ यहां रियासती तेलंगाना में देते, कहीं नहीं देते ये बात। ये बात पूरे गौर रखो अम्मा, अभी बताए केसीआर साहब तेलंगाना के मुसलमानों का हमदर्द है। आपकी वोट के मोहब्बत नहीं करते हैं, पर आपसे मोहब्बत करती है। बाकी कांग्रेस पार्टी वो तो सिर्फ मुसलमानों की वोट पे ही मोहब्बत है उनकी। आज राहुल गांधी आए, ये गारंटी बोले, उसमें एक भी गारंटी मुसलमानों की और नहीं दिए, एक भी गारंटी मुसलमानों की तरक्यात के काम के लिए नहीं दिए। बल्कि आज केसीआर साहब 1,000 रुपए, जो 1,200 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए में देने का जुबान दी, उसमें वादा के बयान किए। अगर गरीब घर में कोई हमारे काउतुन अम्मा या बहन है, हर घर में, याद रखो अम्मा, केसीआर साहब ने बोला हर घर में गरीब हरियाणा में हमारी अम्मा के नाम पे 3,000 रुपए दिए जाएंगे, 3,000। अगर यहाँ पे कोई वजीफे लेने वाले हैं जो 2,000 का है, वो 5,000 करने वाले हैं। क्यों भरोसा करना केसीआर साहब पे? इस बात से भरोसा करना है कि वो लोग पहले करे थे और कल भी करेंगे। और इस हलके के एमएलए को और केसीआर साहब को के असदुद्दीन ओवैसी ताहिद कर रहे हैं, जो खुद कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात भी याद रखो हमारे। और एक बात है, दूसरे जलसे में जाना है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे बदर भाई और कदीर भाई इतनी खूबसूरत जलसा की ये करें। और एक बात, 30 तारीख के सुबह अब जल्दी निकल जाना, सुबह सुबह वोट अब कार के निशान के उस पर डाल देना। और याद रखो, अभी हमारे शमशु भाई बोले, हमारे अम्मा कावदीन है जो आपके हर परेशानियां समझते हैं, जो आपके बीच में रह सकते हैं, जो आपके दरमियान में रह सकते हैं, और बाकी के कोई भी नहीं रह सकते, कोई नहीं आएंगे आपके बीच में, ये बात याद रखो। खुशगुजार हूँ आप सबका। अब और एक बार खुदा हाफिज़।